ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के अगले दिन से कार्तिक माह की शुरुआत हो जाती है। इस बार कार्तिक माह 1 नवंबर से आरंभ हो रहा है। हिंदू धर्म में कार्तिक माह को बहुत विशेष माना गया है। यह माह जगत के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु और सुख समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस माह में पूजन और व्रत करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पृथ्वी पर सभी तीर्थ करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह के बारे में कहा जाता है कि इस माह में भगवान शिव माँ पार्वती जी के पुत्र कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर नाम के राक्षस का अंत किया था, जिसके कारण इस माह का नाम कार्तिक हुआ। कुमार कार्तिकेय की विजय के कारण इस माह को विजय देने वाला भी कहा गया है। कार्तिक माह में तप और व्रत का विशेष महत्व है। इस माह में भगवान विष्णु जी की भक्ति और पूजा करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह माह भगवान विष्णु जी का माह है। इस माह को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि इस माह में विष्णु जी की पूजा पाठ पूरी निष्ठा और नियम के साथ करने पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह के महात्म्य के बारे में नारद पुराण, पद्म पुराण आदि में उल्लेख मिलता है। यह माह मनुष्य को आध्यात्म की ओर अग्रसर करने वाला माह है। इस माह में भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त तरह के पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस पूरे माह में स्नान दान दीपदान तुलसी विवाह कार्तिक माह की कथा का महात्म्य आदि सुने जाते हैं। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और पापों का शमन होता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस माह में स्नान दान तथा व्रत करते हैं, उनके सभी पापों का अंत हो जाता है। इस माह में की गई पूजा तथा व्रत से ही तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में किए गए स्नान का फल 1 सहस्त्र बार किए गए गंगा स्नान के समान, 100 बार किए गए माघ स्नान के समान होता है। जो फल कुंभ में प्रयाग में स्नान करने पर मिलता है, वही फल कार्तिक माह में किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान करने से मिल जाता है। इस माह में अधिक से अधिक भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण और पूजन करना चाहिए। भोजन दिन में एक समय करना चाहिए। कार्तिक माह में चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व ही स्नान किया जाता है और कार्तिक माह की कथा सुनी जाती है। कार्तिक माह में किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ रहता है। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान ना कर पाए तो किसी खुले सरोवर आदि में स्नान करें। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो रात्रि के समय आपको एक मिट्टी के या तांबे के बर्तन में थोड़ा सा जल भरकर छत पर खुले में रख देना चाहिए। फिर सुबह स्नान के जल में उस जल को मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से खुले जल स्त्रोत में ही स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह में भगवान श्री हरि विष्णु जल में वास करते हैं, इसलिए इस माह में स्नान का विशेष महत्व होता है। इस माह में किया गया स्नान भगवान विष्णु जी के पूजन के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है। दोस्तों, इस माह में स्नान के बाद भगवान विष्णु जी की साधना की जाती है। इसके अलावा इस पावन मास में प्रातः उठकर भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ तुलसी जी की पूजा भी अवश्य ही की जाती है और कार्तिक मास के महात्म्य की कथा सुनी जाती है। दोस्तों, कार्तिक माह में भी स्नान के कई नियम बताए गए हैं। कार्तिक माह में स्नान करने से पूर्व माँ गंगा, श्री हरि विष्णु, शिव जी और सूर्य देव का स्मरण करते हुए ही जल में प्रवेश करना चाहिए। कमर तक जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। तो वही गृहस्थ व्यक्ति के लिए बताया गया है कि उसे काला तिल तथा आंवले के चूर लगाकर स्नान करना चाहिए, परंतु विधवा स्त्रियों और सन्यासियों को तुलसी के पौधे के जड़ में लगी हुई मिट्टी को
लगाकर स्नान करना चाहिए। इस मास में इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि इस महीने में आने वाली सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दसवीं तथा त्रयोदशी को खास तौर पर ध्यान रखें कि तिल या आंवले का प्रयोग ना करें, इसे वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन चावल और जौ का प्रयोग भी ना करें। मान्यता है कि कार्तिक के महीने में पितरों का तर्पण भी किया जाता है, जिससे पितरों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दौरान व्रती को पावन नदी में स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर विधि पूर्वक श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इस मास में व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है, इसलिए व्रती को तामसी और उत्तेजक पदार्थों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। श्रद्धालु व्यक्ति कार्तिक माह में तारा भोजन भी करते हैं। पूरे दिन व्रती निराहार रहकर रात्रि में तारों को अर्घ्य देकर भोजन करते हैं। व्रत के अंतिम दिन उद्यापन किया जाता है। स्नान, व्रत, पूजन के अलावा कार्तिक मास में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधी समस्या दूर होकर धन के भंडार भर जाते हैं। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें कार्तिक मास में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कार्तिक मास के जरूरी नियम। कार्तिक मास का पहला नियम है प्रतिदिन करें दीपदान। कार्तिक मास में सबसे उत्तम कार्य होता है शाम के समय मंदिर, तुलसी के पेड़, नदी, पोखर आदि में दीपदान करना। इससे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा नियम होता है तुलसी जी का पूजन करना। इस पूरे महीने में तुलसी का पूजन करने का विशेष विधान होता है। इस मास में ही तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। शाम के समय तुलसी में दीपदान करना भी बहुत उत्तम होता है। कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तीसरा नियम है भूमि पर शयन करना। कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। मान्यता है कि भूमि पर सोने से मन में सात्विक भावना का विकास होता है और मानसिक विकार दूर होते हैं। दोस्तों, चौथा नियम है तेल ना लगाना। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, सिर्फ इसी दिन तेल लगाया जाता है। बाकी दिनों में कार्तिक मास में भूलकर भी तेल नहीं लगाना चाहिए। पांचवा नियम है दाल ना खाना। कार्तिक महीने में दलहन यानी कई तरह की दाल खाना मना है, खास तौर पर उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि से परहेज करना चाहिए। छठा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। सातवां नियम है संयम रखना। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को तपस्वियों के समान व्यवहार करना चाहिए, बेहद संयमित जीवन जीना चाहिए। इस मास में क्रोध, निंद्रा, उपहास या विवाद से बचना चाहिए। इस माह में किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, मीठ अंडा, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, साथ ही मदिरा, तंबाकू, सिगरेट आदि से भी परहेज करना चाहिए। कार्तिक माह में भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ ही तुलसी जी की पूजा रोजाना अवश्य ही करनी चाहिए। इससे समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण और राधा रानी का पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। कार्तिक मास में व्रतकर्ता व साधक को अपने परिवार के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरे का कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, दाल, लौकी, गाजर, बैंगन के साथ ही बासी अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रती को केवल एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। इस माह में फटे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, स्वच्छ वस्त्र ही धारण करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस माह में भगवान विष्णु जी की पूजा करने और व्रत रखने से
रोगों से भी मुक्ति मिलती है और संकटों का निवारण होता है। कार्तिक मास में स्नान के पश्चात तुलसी जी के पास बैठकर कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहें, इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कार्तिक मास में नित्य स्नान करने वाले और व्रत करने वालों को हविष्य यानी कि जौ गेहूं दूध दही और घी आदि का एक समय भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान करने के पश्चात तुलसी जी पर जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को भी अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। कार्तिक मास में पूजन के साथ ही दान का भी विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास में सबसे बड़ा दान होता है दीपदान। दीपदान आपको मंदिर पर, अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के आसपास, पीपल के आसपास अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ ही कार्तिक माह में प्रतिदिन चने का दान करना चाहिए। इस पावन मास में गौ सेवा का काफी महत्व है, इसलिए गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन गौ माता की सेवा करें। हरी घास गौ माता को अवश्य ही खिलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। साथ ही धान्य, बीज, चांदी, दीप, नमक आदि का भी यथाशक्ति दान करना चाहिए। किसी भी कामना से किए जाने वाले दान में श्रद्धा और विश्वास का महत्वपूर्ण स्थान है। दान देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी दान दे रहे हैं उसे देते समय हमारे मन में किसी भी प्रकार का अहंकार या तिरस्कार की भावना नहीं आनी चाहिए, बल्कि भावना यह होनी चाहिए कि हम जो कुछ भी दे रहे हैं वह ईश्वर प्रदत्त है, उसी का है, पुनः उसी को समर्पित कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए कार्तिक मास में इन कार्यों को अवश्य ही करें। इन कार्यों को करने से घर में सुख समृद्धि आती है और कष्ट दुख दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जितने भी माह होते हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्व कार्तिक मास का होता है। इसलिए कार्तिक मास में आप सभी भी भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी, तुलसी जी और भगवान सूर्य नारायण का पूजन अवश्य ही करें। रोजाना स्नान नहीं कर सकते, अगर आप व्रत भी नहीं रख सकते तब भी पूजन अवश्य ही करना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।